देखिए वेंकट रमानी जी से हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग का ब्रीफ मैंने बना करके डाला भी था, जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे और आंसर्स जो भी थे, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पर्सन उन्होंने पढ़ा भी होगा। और मीटिंग बुलाने का पर्पज़ ये है कि जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, एक बार मुझसे पूछिए, जहाँ तक होगा जो मुझे नॉलेज में होगा। जैसा कि हमारी बातचीत हुई है वेंकट रमानी जी से, काफ़ी 3 घंटे की मीटिंग हुई थी, तो एक बार आप हमसे पूछ करके मतलब एक बार मैं बता सकता हूँ उनका क्वेश्चंस का। नहीं होता है तो सेकंड जो मीटिंग होगी आप एक राइट डाउन कर लीजिए, पेपर्स वगैरह में हम लोग लेके भी आए हैं, तो उसका हम लेटर ऑन हम लोग सर्कुलेट कर देंगे मैसेज वगैरह जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं वेंकट रमानी जी से जो मीटिंग होती है। कैसे पेमेंट देते अच्छा हाँ अभी आप आगे आ जाइए सुखदेव जी, पीछे मत जाना, पीछे नहीं, ठीक है ठीक है। वो हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों का गोल फॉर्म्स का अगर फ्लैट चाहिए, देखिए एक क्रिस्टल क्लियर है, अगर फ्लैट चाहिए तो जितना भी रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो हम लोग को मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो जाए 100% पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग भी कंफ्यूजन में थे कि एज़ पर द बीबीए हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, बट एज पर द बीबीए नहीं है, अगर जिनका 5% भी बचा है दे हैव टू पे। ये आप लोग मेंटल प्रिपेयर हो जाइए। अभी हम लोगों के पास बहुत सारे रेजोल्यूशन लोग लेके आते थे, यार क्यों ना हम लोग कोई बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर हम ले लें और एक्स्ट्रा पेमेंट हम करने के तैयार हैं। ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आम्रपाली कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो आम्रपाली का जो रेजोल्यूशन आया है, ये इट इज़ द बेस्ट वन। अनलेस हम लोग को जो पे करना है 5%, किसी का 5% बचा होगा, किसी का 2% बचा होगा, ऑल ओवर गोल फॉर्म से मेरे ख्याल से कितना बच रहा है, 141 करोड़ केवल देना है, जिसमें कि अगर मेरे ख्याल से अगर 30-40% भी उनके पास पहुंच जाता है यूको बैंक में, तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा एज पर द वेंकट रमानी। सेकेंड बात यह है कि पेमेंट का मोड, पेमेंट का तरीका कैसे होगा। वेबसाइट लॉन्च अभी लॉन्चिंग में है, मेरे ख्याल से कई लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही होगी देखने में, जो कि मैं देख रहा था अभी लॉन्चिंग में है, वो पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। उसमें करना क्या होगा, आप यूको बैंक की साइट में जाएंगे, यूको बैंक की साइट में जाकर के आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना फ्लैट नंबर सेलेक्ट करेंगे, फ्लैट नंबर सेलेक्ट करने के बाद में एज़ पर योर बीबीए जो भी बाकी रहता है पेमेंट कर दीजिए 30-40% है। उसमें जो बैक वाला जो डाटा है वो उसमें एक मेंशन भी करना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो कितने परसेंट वाली पेमेंट कर रहे हो, या पार्ट पेमेंट कर रहे हो, या क्या कर रहे हो। वो एक स्लिप जाकर के वेंकट रमानी के जी के पास में वो हो जाएगा, फिर और जो भी है हम लोग क्लब करेंगे, वो लोग मैच करेंगे, फिर लेटर ऑन उसमें डिटेल्स आपको धीरे धीरे दिखाई लग जाएगी यूको बैंक में की जो वेबसाइट बनी है। ये पेमेंट का मोड रहेगा, पेमेंट के पूरी करनी पड़ेगी, देखिए सॉरी पार्ट आपके पास 3 महीने का टाइम है, इसमें आप 3 महीने में कितना पार्ट कर सकते हैं आप कर दीजिए, हो जाएगा, लेकिन करना है। अगर बैंक के थ्रू है तो बैंक करेगा वही मैं बता रहा हूँ कि एज पर द बीबीए डोंट गो फॉर द एज पर द बीबीए, ये माइंड सेट कर लीजिए। अदरवाइज या तो आप पूरा पे करिए फ्लैट मिल जाएगा, नहीं तो अगर एज पर द बीबीए, जब बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया मेरी तो एज पर बीबीए आई जस्ट गो फॉर द एज पर द बीबीए, 100% मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़े कर देगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट के पास फंडिंग नहीं है, लोग सुप्रीम कोर्ट इस समय पूरी तरीके से वॉच कर रहे हैं कंडीशन की, बायर्स की पोजिशन क्या है, दे आर रेडी टू टेक देयर फ्लैट की मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह देखिए। सब लोगों को 100% पेमेंट करना है, 100% पेमेंट करना है, उसका माइंड मेक कर लीजिए किसी भी तरीके से। साहब साहब पचीस देखिए आम्रपाली भूल जाइए, आम्रपाली भूल जाइए, जो आम्रपाली ने किया दैट वाज अ फ्रॉड। अब आम्रपाली नहीं है, अब एनबीसीसी है, एनबीसीसी को सुप्रीम कोर्ट है। एनबीसीसी को अगर मान लीजिए कोई भी फंड रेज करना, कोई भी अगर
जो भी है मेरे ख्याल से टेंडर अगर जाना है तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए फंड ही नहीं है उसके पास। सॉरी आप बताइए, जवाब मैं देता हूँ। आप समझ गया, आपका कहना हुआ कि अगर 141 करोड़ का 30% रुपया जमा होता है तो कितना हुआ, और उसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो कितना होगा आपका? नहीं 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 ब्याज इंटरेस्ट आपको बैंक रिटर्न करेगी कोर्ट, इसमें कहीं से कुछ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मैं किसी बिल्डर को पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं पैसा दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को। समझ रहे बात? वो पैसा आप ये चीज वेंकट रवानी ने ये क्वेश्चन मैंने वेंकट रवानी जी पाठक जी ने पूछा था, क्रिस्टल क्लियर है। हमारा पैसा बाई चांस हम लोग ने जो भी आम्रपाली में गया एक एक करके आम्रपाली में जो गया वो पैसा गया। अभी जो रिमेनिंग अमाउंट है हम अगर दे भी देते हैं तो कितना एश्योरेंस है फ्लैट मिलने का, कितना एश्योरेंस है हमारा पैसा सेफ रहेगा? उन्होंने बोला कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के बैंक में जमा कर रहे हो, एज पर द लॉ जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो पैसा वापस होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लायबल है। ये क्रिस्टल क्लियर है, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा, जो आपके बैंक में ब्याज मिल रहा है वही बैंक में ब्याज आपको मिलेगा और वापस आपको करेंगे। एक चीज और है ये भी एक सर की क्वेरी है, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, देखिए हम पेमेंट करेंगे टावर वाइज करेंगे पेमेंट, पहली बात है। क्या बोल रहे हैं आप? सर यहाँ पे हम नहीं करेंगे, आप समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस टावर से पैसा ज्यादा जाएगा उस टावर पे काम पहले स्टार्ट होगा। okay. यहाँ पे ये नहीं कि एक का टावर का पैसा बी में लग गया, बी वाला सी में, जिस प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगेगा। exactly, टावर का exactly, पैसा exactly. टावर में देखिए नहीं देखिए कहा गया यार पैसा आपका सेफ है ना, पैसा सेफ करके क्या करेंगे, काम होना चाहिए भाई। अरे सर आप खुद सोचो, आप रिसीवर समझ लो या एनबीसीसी समझ लो, अगर हम बाहर कह रहे हैं कि हमारा पैसा दूसरे टावर में नहीं जाना चाहिए, आप अपने टावर पे एक इनिशिएट करो ना कि पैसा जमा करें। हेलो, क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? देखिए एक मिनट सर का मैं पहले सर का मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक करके प्लीज। देखिए जो आपका क्वेश्चन है, अभी हम इनिशियल स्टेज पे खड़े हैं, जो हम फंडिंग करेंगे वो इनिशियली हम फंडिंग करेंगे, जो इनिशियल जो फंडिंग होगी उससे जो स्टार्ट होगा वो जो भी जिस टावर में ज़्यादा पैसा आएगा उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। सेकंड चीज़ आती है कि जैसे ही स्टार्ट होगा एनबीसी से के सराउंडिंग से बोर्ड होगा, एनबीसी से सारी लैंड कैप्चर करेगी, फंडिंग के दूसरे रीजन भी मीन वाइल जनरेट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बात करी है। ऐसा नहीं है कि टावर, मैं मानता हूँ कि टावर वाइज एक मतलब जो फंडिंग के हिसाब से स्टार्ट होगा, लेकिन 100% वो कह रहे हैं कि हम 100% दे देंगे, लेकिन बात यहाँ पर थी इनिशियल कैसे, चीज़ों का इनिशियल्स कैसे हो, सबसे बड़ा पॉइंट यही है।
सर बकाया बैलेंस का कैसे पता चलेगा? सॉरी हमने टावर वाइज कैसे रख दिया, मेरे टावर का काम चालू इतने साल हो गए, इनको मैसेज देना चाहिए ना हर एक इतना बैलेंस बाकी है। एक मिनट क्वेश्चन है, ये एक एक हमारा सुझाव है, इसको देखिए बहुत बहुत बेहतरीन है। टावर शिफ्टिंग होना चाहिए, टावर शिफ्टिंग अगर जिस टावर पे शिफ्टिंग माना कि एक टावर में 10 वैकेंसी है। वही मैं कह रहा हूँ एक एक करके क्वेरी करिए सर। बहुत सारी हमारी 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 3 घंटे मीटिंग हुई है, 3 घंटे में बहुत सारी बातें हुई है सर। ये प्लीज पॉलिसी की है, बेटर है वो, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में केस चल रहा है। सुनो जी, कंज्यूमर कोर्ट में है रिफंड के केस, तो अगर वहाँ से ऑर्डर होते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा रिफंड वाले केस? सर प्लीज एक एक करके आइए, ऐसे ना मैं जवाब दे पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। प्लीज आपके पास कोई सर बुलाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ना मैं समझ पाऊंगा ना आप। पहले आप बताइए, पहले आप बताइए, सर बकाया बैलेंस का कैसे पता चलेगा? हाँ जी आपको अपने हिसाब से आपने जितना दिया है ना पेमेंट कोई बात नहीं, अंदर कर लेते हैं आप लोग धूप में खड़े।